फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाँ, मुझे पता है आप सब लोग को ये लग रहा होगा मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी है, मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे तो इस वजह से बस मैंने व्लॉग नहीं किया। काफ़ी टाइम से किया है लेकिन वो पुराने व्लॉग मतलब काफ़ी टाइम बाद डाले। तो अब आज मेरा सेकेंड सेमेस्टर का पहला दिन है, मैं स्टैंड पर जा रहा हूँ, ठीक है, चिंची पकड़ के जाता हूँ शटल के स्टैंड पर वहाँ से यूनिवर्सिटी, और फिर आगे देखते हैं कि पहला दिन कैसा होता है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेट्स सी। अच्छा फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी का पहला दिन है मतलब सेकंड सेमेस्टर का, और मुझे भी याद है कि बैग में मेरे कुछ भी नहीं है, ना रजिस्टर है और ना कोई लिखने के लिए कुछ भी है, फिर ना कोई बुक है। तो तीन लेक्चर है, पहला दिन है, देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ रजिस्टर के बगैर पढ़ने में जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी आया हूँ तो ये चेहरे देखने के मिले हमारी क्लास के सारे। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गया हूँ यूनिवर्सिटी और चलते हैं, अभी देखते हैं क्लास के अंदर क्या सीन है। अच्छा फ्रेंड्स, तो अभी हमारा हुआ पहला लेक्चर हुआ अभी हमारा पहला लेक्चर हुआ और बहुत मज़े का लेक्चर था। पहला तो वो मैम आई तो उन्होंने बड़ा अपना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद लेक्चर दिया, बहुत कमाल का, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। फिर उसके बाद हमें लगी है भूख, हम आ गए हैं ढाबे पे। देखिए गाइस, ये सब लोग कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी खाने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा गाइस, देखिए अभी हम नाश्ता करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब वेट कर रहे हैं खाने का। गाइस, अभी हमारा ना आज का पहला दिन था सेमेस्टर का और हमारा दूसरा लेक्चर हुआ। मैम बहुत कमाल, बहुत औसम मैम था, बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। जो चीज़ हम फर्स्ट सेमेस्टर में अज्यूम करना चाहते थे, एक्सपेक्ट करना चाहते थे, वो हमें सेकंड में मिल गई। ले ले इनको, ले ले, हाथ हिला के खुश हो गया, उंगल दिखा इनको। अच्छा खैर, जो चीज़ हम पहले सेमेस्टर में एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो हमें दूसरे सेमेस्टर में मिली है, और मैम को भी हमने इसके बारे में बताया तो वो कहती है कि अभी इंशाल्लाह आपको ऐसे ही मिलेगा। खैर, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, हमने बहुत अलग सी चीज़ें सीखी हैं। मैम ने कहा कि तुम सेल्फिश हो जाओ, और उन्होंने कहा कि जो कुछ पहले तुमने सीखा है सब भूल जाओ। तो आई होप सो कि हमें नेक्स्ट भी इसी तरह को सीखने के लिए मिले। लोग जो कहते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं है और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो मैं कहता हूँ हमारे पास एबिलिटीज़ नहीं है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होता है, होप सो सब अच्छा हो। तो अभी हमारा खैर लेक्चर ख़त्म हो गया, डेढ़ घंटा था, दिल नहीं कर रहा था उठने का, उसके बाद भी अब हम आ गए हैं स्टॉप पे जा रहे हैं और वहाँ से रुक रहे हैं, ठीक है।